हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग आइडियल बैच रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप कर रहे थे और वहाँ से परफॉर्मेंस कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, डिफरेंट परफॉर्मेंस कर्व। तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले। जो हम लोग का परफॉर्मेंस आइडियल बैच के जो परफॉर्मेंस इक्वेशन आई थी जो जनरल केस के लिए थी, वो टी इज़ इक्वल टू क्या आई थी, एन ए नॉट 0 to xA dxA ओवर माइनस आर ए इंटू वी। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। ये क्या थी, जनरल इक्वेशन कह दीजिए, जनरल इक्वेशन फॉर परफॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर बैच रिएक्टर। किस केस में, आइसोथर्मल कंडीशंस हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है प्रोसेस का, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए ये जनरल इक्वेशन थी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए करना है तो वी को हम लोग कांस्टेंट कह देंगे। तो दो इक्वेशंस जो हमारी बन के आई थी, जो फॉर CVRS कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जो इक्वेशन आई थी, टी बाई सी ए नॉट इज बेसिकली हम लोग वी को वी नॉट कह दे रहे थे, तो वी एन ए नॉट बाई वी नॉट सी ए नॉट हो जा रहा था, और सी ए नॉट को इधर ले आ रहे थे। तो टी बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू राइट साइड में अपना क्या बचता था, 0 to xA डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए इंटू वी माइनस आर ए बचता था। ये आपकी थी परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। और दूसरी क्या कंडीशंस होगी, परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, उसके लिए हमने फार्मूला जो डेवलप किया था लास्ट क्लास में, ये 0 to xA डी एक्स ए डिवाइडेड बाई माइनस आर ए, और वी की जगह हम लोग क्या रखते थे, वी नॉट 1 plus epsilon A एक से, तो वी नॉट जो है बाहर आ जाता था, एन ए नॉट से डिवाइड करके सी ए नॉट होता था, और सी ए नॉट को फिर हम इधर ले आते थे। तो यहाँ पे क्या आता था, 1 plus epsilon A एक्स ए। ये आपका था वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। एक फार्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था, वो किसके लिए था, जब हम लोग कंसनट्रेशन के टर्म में यही लिखना चाह रहे थे, तो एक फार्मूला जो था CVRS के लिए जो परफॉर्मेंस इक्वेशन थी, वो अगर कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग लिखते थे तो टी इज इक्वल टू क्या आया था अपना फार्मूला, माइनस सी ए नॉट से सी ए, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन के बाद के टर्म में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, सी ए नॉट से स्टार्ट होगी, और सी ए तक फाइनल कोई कंसंट्रेशन जिस वक्त की बात कर रहे होंगे सी ए होगी, डी सी ए ओवर माइनस आर ए। तो ये बेसिकली हम लोगों की ये जनरल इक्वेशन थी, एक बोल दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई कंसंट्रेशन के टर्म में, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि एक जस्ट एक एक्सप्रेशन याद रखेंगे जो मेन वाले एक्सप्रेशन है, तो वो इन सारे इक्वेशंस पे हम लोग आ सकते हैं, अराइव कर सकते हैं। इसमें तो जस्ट v इज इक्वल टू v नॉट या v इज इक्वल टू v नॉट 1 plus epsilon A x से ही हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, उससे ये फार्मूला डेवलप हो जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग को ये एक्सप्रेशन जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट बैच रिएक्टर के लिए है, ये परफॉर्मेंस इक्वेशन, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में है, टाइम निकालने के लिए जो भी हमें यहाँ पैरामीटर जो आ रहा है, परफॉर्मेंस जो मेज़र कर रहे हैं, बेसिकली टाइम ही से ही मेज़र कर रहे हैं, तो एक जो पॉइंट हम लोग यहाँ लिखना चाह रहे हैं, फॉर बैच रिएक्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज ए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या परफॉर्मेंस मेजर। इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन के लिए, ये इससे हम लोग क्या देता है, ये परफॉर्मेंस देता है आपके बैच रिएक्टर की परफॉर्मेंस जो है टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ से मेरे इक्वेशन से क्या निकल रहा है, टाइम ही निकल रहा है। तो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो परफॉर्मेंस हमें बताता है। तो फॉर बैच रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज़ ए परफॉर्मेंस मेज़र। तो जो परफॉर्मेंस हम लोग मेज़र कर रहे हैं बैच रिएक्टर की, वो
टाइम से हम लोग टाइम रिएक्शन के लिए कितना लग रहा है वो निकाल रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ हमें और डिस्कस करनी है कि क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस ये कहा था कि जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होगी या जो पर्पज़ है हमारा इस एक्सरसाइज में वो है वॉल्यूम निकालना, रिएक्टर का साइज़ निकालना। तो यहाँ से तो हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, साइज़ नहीं निकाल रहे हैं। तो पहले परफॉर्मेंस कर्व जो हम लोगों ने ड्रॉ किए थे लास्ट क्लास में, जैसे एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ पर जीरो एक्सिस पे क्या रखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे कन्वर्जन, तो ज़ीरो से मान लीजिए कि एक्स ए कोई कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो एक्स ए एक कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक्स ए, एक्स ए के बाद भी कन्वर्जन हो रहा होगा, लेकिन हम लोग ज़ीरो टू एक्स ए के टर्म में ही इंटरेस्टेड हैं। तो हम लोग जनरल इक्वेशन के लिए जस्ट अगर हम लोग प्लॉट ड्रा करना चाहते हैं तो ज़ीरो टू एक्स ए ये वाला पार्ट हुआ, और क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल लगा हुआ है, अगर एन एन आर्ट को इधर ले आएंगे तो ये राइट साइड क्या है, पूरा इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल में हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा अगर उसको हम लोग कर्व पे ड्रा करें तो वो जो एरिया अंडर दो जो एक कर्व आपका बनता है, तो उसके जो कर्व का इनक्लोज्ड एरिया होता है, मतलब जो बाउंड्री लाइंस होती हैं कर्व की, उसके अंदर का जो एरिया है वो बताता है पूरा जो आपका इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, टी बाई सी ए नॉट, टी बाई एन ए नॉट, सॉरी ये जनरल केस के लिए था, टी बाई एन ए नॉट। और यहाँ पे फिर आपका वाई एक्सिस पे क्या होगा, माइनस वन अपॉन आर ए इंटू वी, ये पूरा एक्स ए आपका यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस पे, माइनस वन अपॉन माइनस आर ए इंटू वी वाई एक्सिस पे हो गया। फिर इसका जो प्लॉट हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये जो आर ए है वो किस पे डिपेंड करता है, आर ए अपना है, जैसे आर ए रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो के टाइम्स सी ए टू द पावर एन होगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी या नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हम लोग के लिए कभी कभी इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं होगा। तो हम लोग जस्ट अगर कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं या कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ग्राफिकल मेथड ज़्यादा बेटर होगा। भाई यहाँ पे रेट ऑफ़ रिएक्शन तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना डिफरेंट टाइम पे, तो रेट ऑफ़ कैलकुलेशन कन्वर्जन के रेफरेंस में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जब इतना कन्वर्जन था तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, इतना कन्वर्जन था, तो एक प्लॉट बना लेते हैं। बेसिकली माइनस वन बाई आर ए इंटू वी को वाई एक्सिस पे रखते हैं, एक्स ए को कन्वर्जन जो है आपका एक्स एक्सिस पे रखा। जो यहाँ से हम लोग को कर्व आया था वो हम लोगों ने कहा था कि ये जो कर्व के अंडर का जो एरिया होगा वो टी बाई सी एन आर, मतलब लेफ्ट साइड में जो कम्प्लीट बचेगा, राइट साइड में सिर्फ इंटीग्रेशन रखेंगे, लेफ्ट साइड में जो बचेगा वो पूरा होगा। इसी तरह हम लोग जब अगर बनाएं जनरल केस के लिए या फिर कहिए कि सी वी आर एस के लिए, तो अगर एक्स ए ये यहाँ पे कन्वर्जन है एक्स ए, अगर हम लोग सी वी आर एस के लिए कहिए, तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, अब सी वी आर एस के लिए कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। तो ये एक्स एक्सिस पे तो ज़ीरो टू एक्स ए हो गया आपका, और वाई एक्सिस पे क्या है, वन अपॉन माइनस आर ए। वन अपॉन माइनस आर ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक एक्सप्रेशन में वन अपॉन माइनस आर ए इंटू डी एक्स ए, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। बस एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग को ख्याल रखना है कि जो ये वाला पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता जो यहाँ पे एक्सिस पे टच कर रहा है, कि जब जीरो कन्वर्जन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ये यहाँ पे, इसका मतलब यही हुआ ना कि वन बाई आर एस आर ए इंटू वी की वैल्यू ये होगी। वो एक्चुअली जब जीरो कंडीशन होती है, मतलब जीरो कन्वर्जन होता है, तो उस वक्त रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं हुई होती है, तो उस वक्त रेट की बात ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों ने सर्किल से शो कर दिया है, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है ग्राफ में, क्योंकि जब कन्वर्जन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन है आपका, फ्रैक्शनल कन्वर्जन है, कन्वर्जन जब ज़ीरो होगा तो इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो रही होंगी, तो इसलिए जब हम लोग बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से क्या मिलेगा, जब हम लोग अगर सी वी आर एस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो सी वी आर एस के लिए ये ग्राफ का एरिया कितना बता रहा है, टी बाई सी ए नॉट। सी ए नॉट आपका क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थी, और टी टाइम ऑफ द रिएक्शन है। अभी अगर इस केस की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे सी एक तीसरा ये तीसरे ग्राफ के लिए हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वन अपॉन माइनस आर ए, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, सी ए आएगा। कंसनट्रेशन इनिशियली कितनी होगी, तो सी ए मतलब बेसिकली ये कंसनट्रेशन की इंक्रीजिंग एक्सिस जो है ना, हम कंसनट्रेशन इंक्रीज शो कर रहे हैं,
तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट होगी, तो यहाँ पे तो हम शो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी मान लीजिए वो सी ए नॉट होगी, जो क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो कंसंट्रेशन प्रोसेस में रिएक्टेंट की कम होती जाएगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो फाइनल कुछ कंसंट्रेशन यहाँ होगी, कुछ कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं कि सी ए अगर यहाँ पे आ जाता है आपका जो एग्जिट कंसंट्रेशन है या फाइनल कंसंट्रेशन है उसके जब हम लोग बात करते हैं तो सी ए यहाँ है। तो ग्राफ का नेचर ये कैसे होगा? ये इस तरह का ग्राफ का नेचर होगा इसमें। अब ये पूरा इनक्लोज हो गया ये बाउंड्रीज से आपके, तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया ये हम लोग निकालेंगे। और ये एरिया क्या देगा? ये इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, ये एरिया हमें क्या देगा? टाइम देगा। तो ये एरिया, इस एरिया से हम लोग को टाइम मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने ये देखा यहाँ तीनों एक्सप्रेशन जो थी कि जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बैच रिएक्टर में, बैच रिएक्शन के लिए हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर बैच रिएक्टर। टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है, जितना भी परसेंट कम्प्लीशन हो रहा है एक से, मतलब आपका 80% भी हो सकता है, कन्वर्जन 70% भी होता है, जो भी होगा। लेकिन बैच रिएक्टर में ये है कि आप वॉल्यूम कुछ भी लो, क्योंकि पूरे रिएक्शन में कहीं वॉल्यूम नहीं आया है, आपका कन्वर्जन सेम होगा। अगर आप 1 लीटर भी रिएक्शन करा रहे हो तो उतना ही टाइम लगेगा, 5 लीटर भी रिएक्शन करा रहे हो तो उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम जो है ना सेम है। कन्वर्जन ये है कि आपने फिक्स कर दिया है, आप अगर 60% कन्वर्जन करा रहे हो तो जो भी टाइम आएगा, टाइम जो है वो सारे वॉल्यूम आप कुछ भी ले रहे हो रिएक्शन मिक्सचर का या रिएक्शन का, या आपका प्रोडक्शन रेट कुछ भी है, 100 लीटर्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हो या 1000 लीटर पर डे या 100000 लीटर पर डे या 10 टन पर डे, मतलब कुछ भी, वो इंडिपेंडेंट है आपका कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका रिएक्शन का जो टाइम होगा वो सेम होगा। बस आपका बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि आप बैच जो आपका रिएक्टर का साइज़ आप जितना बड़ा करते जाओगे आपका प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा डेली का। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ की जो आप यहाँ पे डिस्कशन वाली है वो कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम नहीं आया, तो जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है लिख देते हैं, परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर बैच रिएक्शन, फॉर आइडियल बैच रिएक्टर, आइडियल बैच रिएक्टर, इसमें कंडीशंस क्या है कि आइसोथर्मल कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर सेम रह रहा है, आइसोथर्मल एंड CVRS, या अगर CVRS ना भी लिखें, क्योंकि ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है CVRS कंडीशन के लिए लिख देते हैं, CVRS में डज नॉट कंटेन वॉल्यूम टर्म, डज नॉट कंटेन मतलब नहीं, उस इक्वेशन में वॉल्यूम का टर्म नहीं है, डज नॉट कंटेन वॉल्यूम टर्म। लेकिन हम लोगों ने कहा था जब स्टार्ट किया था कि जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होगी वो साइज़ बताएगी, तो बेसिकली इससे हमें साइज़ कैसे मिल रहा है? तो हम लोग ये अब डिस्कशन इसके बारे में करना चाहेंगे कि साइज़ कैसे हम लोग को आइडिया लगेगा। तो देखिए, जैसे बैच रिएक्टर है, आपने टाइम बता दिया, टाइम बता दिया आपने कि एक बैच आपने जो डाला, मान लीजिए कैलकुलेट करके आपने, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, अज्यूम नहीं, जो कैलकुलेशन से आएगी कि 7 आवर्स आ रहा है आपका बैच टाइम, मतलब ये रिएक्शन जो कम्प्लीट होनी है वो 7 आवर्स में कंप्लीट होनी है। अब हमारा प्रोडक्शन रेट है, अगर एक इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होंगे डेली का, तो डेली का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, मान लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि 24 टन एक दिन में हमारा प्रोड्यूस हो जाए। ये 24 टन एक जस्ट एक नंबर है, वो इजीनेस के लिए, मतलब जितने आवर्स हैं उसके हिसाब से हमने 24 टन कर दिया। ये 24, 48 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 टन भी हो सकता है, कुछ भी एक नंबर हो सकता है। तो प्रोडक्शन हम लोग जो अज्यूम कर रहे हैं 24 टन्स अ डे कर रहे हैं, एक दिन में 24 टन कर रहे हैं। बैच रिएक्टर है ये, जो टी इजल टू 7 आवर्स आया, ये कौन सा, ये रिएक्शन होने का टाइम है, मतलब आपने फीड इंटर किया, फीड आप जो है आपकी पूरी रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन का टाइम 7 आवर्स है। लेकिन बैच रिएक्टर है तो कुछ टाइम आपको फीडिंग में भी लग रहा होगा, कुछ टाइम आपको फीड को बाहर निकाल रहे होंगे उसमें भी लग रहा होगा, और थोड़ा बहुत टाइम उसको क्लीनिंग वगैरह में भी लगता है अगर क्लीनिंग की ज़रूरत होगी। तो टोटल टाइम जो साइकिल टाइम होगा, क्योंकि बैच में साइकिल की बात करेंगे कितना टाइम लगा, तो टोटल साइकिल टाइम की अगर हम लोग बात करें, साइकिल टाइम, तो उसमें कौन कौन से टाइम इंक्लूड होंगे? एक आपका रिएक्शन टाइम होगा, प्लस लोडिंग टाइम कहिए, इनपुट टाइम कहिए,
मतलब जो रिएक्टर को हम लोग लोड कर रहे हैं, प्लस डिस्चार्ज टाइम कहिए जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लीनिंग टाइम भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि रिएक्टर है उसको अगर हम लोग दूसरा प्रोडक्ट उसमें मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्योंकि क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहेगा और दूसरा हम लोग दूसरे रिएक्टेंट डालेंगे तो साइड रिएक्शंस होने के चांसेस हैं, तो क्लीनिंग टाइम, तो ये जो सब सारा टाइम हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे रिएक्शन टाइम तो हम लोगों ने 7 आवर्स मान रखा है, लेकिन और सारा टाइम्स हम लोग मान लें कि जस्ट एक अज्यूम कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो, कि 1 आवर अगर है, 1 आवर, तो टोटल साइकिल टाइम कितना हो गया आपका, 8 आवर टोटल टाइम, टी टोटल कह रहे हैं, तो टोटल साइकिल टाइम कितना होगा, 8 आवर्स। मतलब 8 आवर्स में आप एक पूरा बैच प्रोसेस कर दोगे, बैच प्रोसेस कर देने का मतलब आप फीड डालोगे, रिएक्शन कराओगे, बैच को निकाल लोगे और आप रिएक्टर को क्लीन कर दोगे और फिर दूसरे रिएक्शंस के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये पूरा टाइम लग रहा है 8 आवर्स का। तो इस तरह अगर 24 घंटे आपको प्लांट अपना ऑपरेट करना हो तो कितने बैचेस आप ऑपरेट कर पाओगे, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं एक बैच ऑपरेट करने में, आपको कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। तो या एक देख लीजिए कि 8 आवर्स में आप एक बैच कंप्लीट कर पा रहे हो, तो टोटल मतलब बैचेस हम लोग दिन भर में कितना कंप्लीट कर पाएंगे, टोटल बैचेस आपका 24 आवर्स टाइम होता है और 8 आवर्स में एक बैच का टाइम है, तो कितने बैचेस, 3 बैचेस हो पाएंगे आपके। अब 3 बैचेस हो पाए आपके दिन भर में, और आपको प्रोड्यूस कितना करना है, आपको 24 टन्स करना है दिन में, हम लोग अज्यूम करेंगे 24 टन हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो 3 बैच में हमने 24 टन्स प्रोड्यूस करना है, 24 टन। तो एक बैच में कितना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, एक बैच में 24 टन्स डिवाइड बाई 3, तो कितना, 8 टन्स हम लोग एक बैच में प्रोड्यूस करेंगे। एक बैच में प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं, 8 टन्स। तो हम लोग जस्ट रिएक्टर वॉल्यूम पे ही कर आ रहे हैं कि रिएक्टर वॉल्यूम उसका कितना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो आप फीड ले रहे हैं या रिएक्टर ले रहे हैं, फीड ले रहे हैं ये प्रोडक्ट है, उसकी हम लोग डेंसिटी हमें मालूम होती है, और हमें क्या है, मास, बेसिकली ये क्या है, 8 टन्स मास है, तो डेंसिटी मास मालूम है हमें, मास मालूम है, तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ द ये जो आपका प्रोडक्ट है, कहिए वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मास डिवाइड बाई डेंसिटी कर देंगे। मास हमें मालूम है कि कितना मास हम लोग को प्रोड्यूस करना है, 24 मतलब 8 टन्स हैं, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, डेंसिटी भी उसकी मालूम होगी, तो डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में या और लीटर में, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मिलेगा मीटर क्यूब और लीटर, जैसे हम लोग डेंसिटी की यूनिट ले रहे होंगे। तो बेसिकली हमें इतना, मतलब इसका मतलब ये होगी जो भी आएगा ये जो भी क्वांटिटी, इतना मीटर क्यूब हम लोग को क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट चाहिए, इतना मीटर क्यूब प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट क्योंकि हम लोग एक ही बार में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पूरा जो रिएक्टर में डाल देते हैं, फिर रिएक्शन होती है, फिर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा सारा निकाल लेंगे, तो मतलब जितना ये हमें चाहिए उतना ही रिएक्टर का वॉल्यूम होना चाहिए, सेफ्टी साइड आप 10% ज़्यादा लेके चलो, 15%, क्योंकि क्या होता है कि रिएक्शन होती है तो कुछ वेपर्स भी फॉर्म होती हैं, तो बेसिकली जितना वॉल्यूम आपका प्रोडक्ट चाहिए उतना ही, ऑलमोस्ट कह रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं, नहीं तो उतना ही हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर जो है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर हम लोग यहाँ से क्या होगा कैलकुलेट कर लेंगे, या मतलब कैलकुलेट तो यहाँ पे हमने कर लिया है, जस्ट ये जो कैलकुलेशन है वही हम लोग रिपोर्ट कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर क्या होगी, कि इतने 2 मीटर क्यूब्स का वॉल्यूम होगा, या कुछ भी 2 मीटर क्यूब कह दीजिए, या 4 मीटर क्यूब जो भी आएगी यहाँ पे आपके, यहाँ से जो 8 टन्स रखेंगे, फिर डेंसिटी रखेंगे, डेंसिटी जो भी मालूम होगी उसकी, तो इतना मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा, तो रिएक्टर का वॉल्यूम हमें मिल गया ना, क्योंकि जितना एक बार में इतना हम लोग रिएक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट कहाँ है, रिएक्टर, रिएक्टर रिएक्टर के अंदर है, और कौन सा रिएक्शन रिएक्टर है, बैच रिएक्टर है, मतलब सारा प्रोडक्ट एक साथ हम लोग निकालते हैं, तो जितना प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा
कम से कम उतना रिएक्टर का वॉल्यूम होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग लिखते हैं सेफ्टी साइड में। तो हम लोग को यहाँ से बेसिकली रिएक्टर का वॉल्यूम निकल गया, और यही हम लोग का पर्पज़ था कि रिएक्टर का वॉल्यूम क्या होगा। तो इस तरह की बैच, जो बैच रिएक्टर है उसकी हम लोगों ने स्टडी कंप्लीट कर ली। उसमें परफॉर्मेंस इक्वेशन पूछेगा, तो परफॉर्मेंस इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए। कर्व से पूछेगा कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम लोग बताने में कैपेबल होने चाहिए। और फिर अगर कहीं पूछ लेगा कोई कि, क्योंकि हम लोग तो बैच बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस इक्वेशन जो है ना साइज़ बताती है रिएक्टर का, लेकिन जो हम लोगों ने इक्वेशन डेवलप की है यहाँ पे तो कहीं वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, तो आप साइज़ कैसे बताओगे जब वॉल्यूम आपको पता नहीं। तो बेसिकली वॉल्यूम हमें इस तरह टाइम जो है उसकी हेल्प से, बेसिकली टाइम बताता है रिएक्शन कम्प्लीट होने का, तो आपका कन्वर्जन बताएगा कि 60% कन्वर्जन हो जाएगा, आप वॉल्यूम कुछ भी लो। तो हमारा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जितना हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसी हिसाब से वॉल्यूम हम अपना कर लेंगे। अब हम लोग फ्लो सिस्टम की बात करते हैं थोड़ा सा। फ्लो सिस्टम जैसे, अब इसमें अभी हम लोग बैच रिएक्टर की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि इतने मोल्स हमने रिएक्टेंट के डाल दिए, रिएक्शन कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट को विदड्रॉ कर लिया। अगर फ्लो सिस्टम की बात की जाए तो फ्लो सिस्टम में यूजुअली क्या होता है कि हम लोग फ्लूइड, इसमें फ्लूइड इंटर कराते हैं, ये मान लीजिए आपका रिएक्टर है यहाँ पे, फिर रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद हम लोग प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन होती रहती है, हम लोग प्रोडक्ट विदड्रॉ करते रहते हैं। मतलब ये फीड है, ये कहिए कि इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट। तो ये कंटिन्यूस सिस्टम होता है, ये फ्लो सिस्टम का मतलब हुआ कि फ्लो रेगुलरली हो रहा है वहाँ पे। तो फ्लो हो रहा है तो हम लोग बेसिकली दो टर्म्स अभी तक बातें कर रहे थे, हम लोग यहाँ मोल्स के टर्म में बात कर रहे थे कि इतने मोल हम लोग फीड कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लो सिस्टम होता है, फ्लो सिस्टम में हम लोग एक्चुअली मोलर फ्लो रेट की बात करते हैं। तो हम लोग कितने मोल्स पर मिनट या पर सेकंड, जो भी टाइम की यूनिट ले रहे होंगे, वो फीड कर रहे होंगे। तो जो यहाँ टर्म्स यूज़ हम लोग करेंगे, जैसे इनपुट की कंडीशन है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम एफ ए नॉट। तो एफ ए नॉट क्या होगा, मोलर फीड रेट, मोलर फ्लो रेट, फ्लो रेट मतलब फ्लो रेट है मोल्स में, ऑफ किसका, ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए। और यूनिट क्या होगी, मोलर फ्लो रेट है तो मोल पर टाइम होगी, तो मोल पर टाइम, ये मोल टाइम कोई भी हो सकता है, सेकंड में भी ले सकते हैं हम लोग, मिनट में भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ एक एफ ए नॉट टर्म होगा, इनपुट में होगा। अब क्या होगी कि कंसंट्रेशन भी हम लोग की बात करते हैं, तो सी ए नॉट एक कंसंट्रेशन होता है, तो सी ए नॉट क्या है, बेसिकली आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट फीड, रिएक्टेंट ए एट फीड कंडीशन, मतलब जब हम लोग फीड कर रहे हैं तब उस वक्त इनिशियली एट फीड कंडीशन, या उसको इनिशियली भी बोल सकते हैं एट इज इक्वल टू जीरो पे, तो इनिशियली वर्ड ज़्यादा बेटर है, टी इज़ इक्वल टू जीरो बेटर वर्ड नहीं है। तो सी ए नॉट क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मोल्स कंसंट्रेशन है तो मोल्स पर लीटर होगी, या मोल्स पर मीटर क्यूब होगी, मोल्स पर लीटर और मोल्स पर मीटर क्यूब, यही कंसंट्रेशन होती है। एक इसमें और टर्म यूज़ करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बेसिकली हम लोग फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की बात करते हैं। जैसे वी आपका क्या है, ये रिएक्टर वॉल्यूम हो गया, वी रिएक्टर वॉल्यूम है, बेसिकली वी हम लोग जो लेते थे अपने इक्वेशन में वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर लेते थे, लेकिन बेसिकली क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम होता है ऑलमोस्ट उस सेम दोनों का ही ले लेते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर का है और रिएक्टर का है, अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आपका वो रिएक्टर है, मतलब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्टर है, वहाँ पे दोनों चीज़ें सेम नहीं यूज़ कर सकते, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर और वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे है। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम है, वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आप, हम लोग जो है ना रिएक्टर का ही वॉल्यूम अक्सर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है वी नॉट, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वी नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम्स पर यूनिट टाइम, तो बेसिकली क्या हुआ, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो मतलब वॉल्यूम
ऑफ रिएक्टर बोल दीजिए पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली हम लोग क्या है कि जैसे 10 लीटर पर मिनट हम लोग फ्लो करा रहे हैं, तो फ्लो कंडीशन से ये बता रहा है कि कितने वॉल्यूम हम लोग फ्लो करा रहे हैं। उसमें कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, आपकी कंसंट्रेशन आपकी जो आपके रिएक्टेंट है उसकी 10 मोल पर लीटर भी हो सकती है। और जब हम लोग पूरा फ्लो करा रहे हैं, मतलब क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें एक से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो उसमें जो एफ ए नॉट है मतलब वो कितना मोल्स पर लीटर जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन मतलब ये क्या है, मोलर फ्लो रेट है, मोल्स पर टाइम, वो इसमें इतना इतना मोल्स पर मतलब 50 मोल पर सेकंड जा रहा है जो आपकी पूरी फीड है। और वहाँ ये क्या है, वी नॉट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, कि कितना वॉल्यूम आपका जा रहा है, मतलब हम लोग 10 लीटर पर मिनट डाल रहे हैं, 50 लीटर पर मिनट डाल रहे हैं, तो वी नॉट बता रहा है। तो वी नॉट बेसिकली, वी नॉट मालूम होने के लिए वॉल्यूम हमें रिएक्टर का मालूम होना चाहिए कि एक रिएक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो मतलब और टाइम कितना ले रहा है उसको फिल करने में। तो बेसिकली वी नॉट आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की 20 लीटर पर सेकेंड हम लोग बता रहे हैं, तो वी नॉट हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो और एक एक और टर्म क्या होता है, एक से कन्वर्जन हुआ है, तो इनिशियली क्या होता है, कन्वर्जन जीरो होता है। तो आउटपुट कंडीशन क्या होंगी, आउटपुट में क्या होगा, एफ ए बोल देते हैं हम लोग। अब यहाँ मोलर फ्लो रेट तो चेंज हो जाएगा आपका, ये जो मोल्स पर सेकेंड फ्लो हो रहा हो क्योंकि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही तो मोल्स पर सेकेंड चेंज हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी, रिएक्टेंट है यहाँ पर रिएक्शन किया, रिएक्शन की कंडीशन चेंज हो गई। एक से जो है, एक से आपका एक से डिफरेंट हो जाएगा, एक से मान लीजिए एक से हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हुई तो कन्वर्जन हुआ, तो एक से आपका चेंज हो जाएगा। देखिए वी नॉट है, वी नॉट कई तरीके से रिपोर्ट किया गया है, कुछ जैसे कुछ रिएक्शंस के लिए वी नॉट चेंज होगा, जैसे आपकी वो रिएक्शंस हैं वी वी आर एस मतलब वेरिएबल वॉल्यूम जैसे, लेकिन अगर आपकी सी वी आर एस है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, तो उसमें वी नॉट हम लोग सेम रखते हैं, मतलब फ्लो रेट सेम रखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, मतलब डेंसिटी इसकी सेम है, अगर हमने क्या किया कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से डाल रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ पे जो विड्रॉ कर रहे हैं वो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वॉल्यूम इसका बढ़ता जाएगा। भाई हम लोग डाल ज़्यादा रहे हैं और निकाल वॉल्यूमेट्रिक मतलब ये आपका प्रोडक्ट कम निकाल रहे हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो फिर ओवरफ्लो की कंडीशन हो सकती है, या हम लोग अगर आउटपुट फ्लो जो है ना ज़्यादा निकालने लगे, मतलब फ्लो रेट जो आउटपुट का है वो ज़्यादा निकालने लगे, तो इसमें क्या होगा कि रिएक्शन मिक्सचर आपका कम होता जाएगा फ्लो रेट, क्योंकि इनपुट का फ्लो रेट कम है। और एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि इसमें फ्लो रेट आपका मतलब ये रिएक्शन बचे ही ना, जो इन रिएक्टेंट है वो बचे ही ना, इस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब रिएक्शन होगी नहीं। तो फ्लो रेट में तीन कंडीशन हुई, एक तो एफ ए नॉट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या, एफ ए नॉट इसकी यूनिट क्या है, मोल्स पर सेकेंड, मोल्स पर टाइम। आपका सी ए नॉट क्या है, मोल्स पर वॉल्यूम आप लीटर मान लीजिए, और आपका वी नॉट क्या है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम कह दीजिए लीटर है पर टाइम। तो देखिए ये तीनों थोड़ा सा मतलब आपस में रिलेट होती हुई दिख रही हैं, एक मोल्स पर टाइम है और ये मोल्स पर लीटर है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, एफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या करें, मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर लीटर, लीटर पर टाइम, तो इफ सी ए नॉट इंटू वी नॉट अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, सी ए नॉट की यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और वी नॉट की आपकी यूनिट क्या है, लीटर पर टाइम कह दीजिए, तो लीटर से ये कट गए, तो इसकी यूनिट बेसिकली क्या आएगी, मोल्स पर टाइम आ जाएगी, और मोल्स पर टाइम किसकी यूनिट है, एफ ए नॉट की है। तो बेसिकली ये अगर हम दोनों इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए नॉट इंटू वी नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आपका गया, एफ ए नॉट को हम लोग रिप्रेजेंट भी करना होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, सी ए नॉट इंटू वी नॉट। सी ए नॉट आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वी नॉट क्या है, आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। अगर एफ ए की बात करें किसी भी एक टाइम पे, तो उस वक्त जो सी ए होगा और इंटू वी नॉट, वी नॉट क्योंकि सेम है, तो ये दो रिलेशन हमारे डेवलप हो गए। ये जब हम लोग ये किस कंडीशन के हैं, ये फ्लो कंडीशन के हैं, जब फ्लो रेट फ्लो हो रहा होगा बेसिकली सिस्टम में, तो इस वक्त जो कंसंट्रेशन अगर की हम लोग बात करें, तो कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सी ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ ए नॉट अपॉन वी नॉट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो
यहाँ से हम लोग जो है बेसिकली फ्लो कंडीशंस के लिए, जब फ्लो हम लोग यूज़ करेंगे तब ये सब ये टर्म्स यूज़ करेंगे और वहाँ पे वो टर्म्स यूज़ इस टर्म का सिग्निफिकेंस देखेंगे। अब हम लोग जैसे ये फर्दर रिएक्टर के बारे में, मिक्स फ्लो रिएक्टर या कॉन्टीन्यूअस फ्लो रिएक्टर के बारे में इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने में, तो कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर्स कहिए, जिसमें क्या है फ्लो कॉन्टीन्यूअस है, फ्लो कॉन्टीन्यूअस है। जैसे हमने बैच रिएक्टर पढ़ा था अभी, तो बैच रिएक्टर में परफॉर्मेंस किससे मेज़र कर रहे थे हम लोग, टाइम से मेज़र कर रहे थे। तो वैसे इन रिएक्टर में जो कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर होंगे, कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर में आपका क्या हो सकता है, ये आपका मिक्स फ्लो रिएक्टर होता हो सकता है, MFR हो सकता है, प्लग फ्लो रिएक्टर होता हो सकता है, बेसिकली ऐसे रिएक्टर, पैक बिग रिएक्टर, ऐसे रिएक्टर्स जिसमें फ्लो कॉन्टीन्यूअस है, तो वो कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर होंगे। तो उसमें हम लोग जो परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे, परफॉर्मेंस मेज़र मेज़र जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस मेज़र मेन टर्म्स जो है, तो बैच रिएक्टर में हम लोग परफॉर्मेंस किससे मेज़र कर रहे हैं या परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक किससे आ रही है, टाइम से आ रही है। तो वैसे इन सब में फ्लो रिएक्टर में जो होगी वहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे, एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेस टाइम। यहाँ पे ये नॉर्मल टाइम था, रिएक्शन टाइम था, वहाँ स्पेस टाइम होगा और एक स्पेस वेलोसिटी होगी, स्पेस वेलोसिटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वो इसके डिज़ाइन इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो स्पेस टाइम क्या है, तो हम लोग स्पेस टाइम देखिए, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी, एक मान लीजिए ये आपका फ्लो रिएक्टर है, तो बेसिकली फ्लो रिएक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग फीड कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ से भी शो कर सकते हैं, यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो रिएक्टर है इसमें अपने फीड इनपुट कंटिन्यूसली करते रहते हैं, प्रोडक्ट जो है आपका ये प्रोडक्ट हम लोग लेते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। अब ये जो है ना वॉल्यूम, अगर रिएक्टर की बात किया जाए तो वी जो है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर है। तो जो स्पेस टाइम होता है, स्पेस टाइम वो एक टाइम है, बेसिकली टाइम लगा हुआ है इसके साथ, इसका मतलब टाइम हुआ। जो टाइम जो है ये किस चीज़ का टाइम है, कि वो टाइम जिसमें हम लोग एक रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं कि स्पेस टाइम क्या है। स्पेस टाइम इज अ टाइम, स्पेस टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम एट स्पेसिफाइड कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या कि स्पेसिफाइड कंडीशंस होनी चाहिए, वो जो कंडीशंस हैं उस पे हम लोग एक, मतलब कंडीशन क्या, मतलब जो आपके टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, उस कंडीशन पे जो आपको एक वॉल्यूम, एक रिएक्टर वॉल्यूम को जो प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, वो टाइम हम लोग स्पेस टाइम कहेंगे। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, जैसे एक रिएक्टर है ये आपका, अब इसका वॉल्यूम कितना है आपका, मान लेते हैं कि 50 लीटर है। तो हम लोग जैसे इसमें फीड इंटर करेंगे, फीड है आपकी, उसका कुछ रेट होगा, मान लीजिए 10 लीटर पर सेकेंड या 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से कर रहे हैं। फिर हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट आता रहता है। अब हम लोग प्रोडक्ट जैसे एक जगह दूसरा एक कंटेनर लगा दें, ये हम लोग इसमें कलेक्ट करते रहें, तो और टाइम हम लोग देखते रहें। तो जब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 50 लीटर हो जाए, बेसिकली 50 लीटर का मतलब जो आपका ये जितना रिएक्टर का वॉल्यूम था उतना ये वॉल्यूम कलेक्ट हो जाए, तो वो जो टाइम लगेगा इस वॉल्यूम को कलेक्ट होने में, तो उस वही जो है आपका क्या है, स्पेस टाइम है। मतलब इस वो वॉल जो टाइम लगा वो क्या हो रहा है, उसमें जो 50 लीटर है वो प्रोसेस हो गया। मतलब एक रिएक्टर वॉल्यूम, रिएक्टर का वॉल्यूम कितना था, 50 लीटर था, तो 50 लीटर अगर रिएक्टर वॉल्यूम है तो उसको पूरा प्रोसेस करने में जो भी टाइम लग रहा है वो क्या है आपका, स्पेस टाइम है। तो ये अगर अगर इसका वॉल्यूम 10 लीटर होता वॉल्यूम रिएक्टर का, तो इस 10 रिएक्टर को प्रोसेस करने में, प्रोसेस का मतलब रिएक्शन हुई आपका, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बाहर निकला, और प्रोडक्ट जितना इसका रिएक्टर का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम को बाहर निकलने में, मतलब
मतलब प्रोसेस कर रहे हैं तभी वो लोग वो बाहर निकल रहा है, मतलब रिएक्शन अपनी हो रही है। तो ये पूरे रिएक्टर के वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो भी टाइम लगेगा वो आपका स्पेस टाइम होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शंस कितनी फास्ट हो रही हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद फिर फ्लो रेट आपका कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये जो स्पेस टाइम है, ये टाइम है वो किस चीज़ का टाइम है, एक रिएक्टर वॉल्यूम, एक रिएक्टर वॉल्यूम का मतलब एक लीटर नहीं हुआ, वो रिएक्टर का जो भी वॉल्यूम होगा, रिएक्टर का वॉल्यूम 10 लीटर भी हो सकता है, 15 लीटर भी हो सकता है, 1000 लीटर भी हो सकता है। तो रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो भी टाइम लग रहा है वो आपका स्पेस टाइम है। और जो दूसरा टर्म होता है वो है स्पेस वेलोसिटी, स्पेस वेलोसिटी। स्पेस वेलोसिटी क्या है, जस्ट इसका रिवर्स है। तो बेसिकली स्पेस वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें उसके टर्म है, किसमें आपके जो स्टैंडर्ड टर्म है, तो ये टाइम, नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम, नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस इन 1 सेकेंड, प्रोसेस इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम एट स्पेसिफाइड कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर स्पेस 1 सेकेंड में, अगर टाइम की बात करें कि 1 सेकेंड में जितना रिएक्टर वॉल्यूम वो प्रोसेस कर देगा वो उसकी क्या होगी, स्पेस वेलोसिटी होगी। मतलब एक रिएक्टर में अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में 5 रिएक्टर वॉल्यूम वो प्रोसेस कर दे रहा हो, तो इसकी स्पेस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 पर सेकेंड, 5 रिएक्टर वॉल्यूम पर सेकेंड। तो स्पेस टाइम क्या हुआ कि एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो टाइम लग रहा है वो हो गया स्पेस टाइम। और स्पेस वेलोसिटी क्या हुई कि एक सेकेंड में कितना रिएक्टर, या एक मतलब एक यूनिट टाइम में, 1 मिनट में कितना रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर दिया इसने, 5 रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर दिया, या 10 वॉल्यूम रिएक्शन प्रोसेस कर दिया, या 15 रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर दिया, रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, स्पेस वेलोसिटी से हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि कितना तेज़ प्रोसेस हो रहा है। तो अगर 1 सेकेंड में एक रिएक्टर है जहाँ पे एक रिएक्शन है जहाँ पे 1 सेकेंड में 5 रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है, और दूसरा रिएक्टर है जहाँ पे एक मतलब सेम वॉल्यूम है, और दूसरा रिएक्टर है जहाँ पे 1 सेकेंड में 2 रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी स्पेस टाइम, मतलब स्पेस वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत स्पेस वेलोसिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिएक्टर वॉल्यूम है प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग जैसे अगर हम लोग अगर बात करें कि अगर स्पेस टाइम आपका 5 आवर्स है, 5 आवर्स स्पेस टाइम, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक रिएक्टर को प्रोसेस करने में, एक रिएक्टर वॉल्यूम को, 1 रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में हमारा जो टाइम लग रहा है कितना, 5 आवर्स है। और जो स्पेस आपकी वेलोसिटी होती है, स्पेस वेलोसिटी जो है तो इनवर्स होती है किसकी, स्पेस टाइम की। स्पेस टाइम का अगर हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो हमें निकलता है स्पेस वेलोसिटी। बेसिकली ये दोनों इन्वर्स, मतलब अगर आपका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है, मतलब एक रिएक्टर को प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वेलोसिटी आपकी बेसिकली कम हो जाएगी। अगर एक रिएक्टर को प्रोसेस करने में कम टाइम लग रहा है तो वेलोसिटी, स्पेस वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पेस वेलोसिटी अगर जितनी ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन उतनी तेज़ हो रही है, मतलब उतना कम टाइम हम लोग रिएक्शन के लिए दे रहे हैं, रिएक्शन के लिए कम टाइम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्पेस टाइम आपका बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर यही स्पेस टाइम आपका 5 आवर्स होता है, तो स्पेस वेलोसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे स्पेस वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेस टाइम, और स्पेस टाइम 1/5 आवर्स कर देंगे। तो ये 1/5 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि 1.2 आर्स इनवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.2 रिएक्टर वॉल्यूम जो है ना, 1 आर्स में ये प्रोसेस कर दे रही है। अगर इसको थोड़ा सा और दूसरे टर्म में अगर हम लोग मतलब और एग्जांपल के साथ देखें, करें कि स्पेस टाइम किसी भी रिएक्शन के लिए दिया जाए कि 4 आर इनवर्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है 1 आर्स में कितने रिएक्टर वॉल्यूम ये प्रोसेस कर दे रही है, 4 रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर दे रही है। समझ रहे हैं ना कि स्पेस टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस इन यूनिट टाइम। तो 1 घंटे में ये कितने रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर दे रही है, 4 रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर दे रही है।
नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस इन यूनिट टाइम और यूनिट एट स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। तो ये चार वॉल्यूम कर सकते हैं। अगर यहीं पे कहीं स्पेस वेलोसिटी आपको कोई इस तरह दे दे, स्पेस वेलोसिटी आपकी है 0.5 पर आवर्स कह दीजिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कितना रिएक्टर वॉल्यूम है, हाफ रिएक्टर वॉल्यूम। तो ये एक घंटे में कितना रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर रही है, आधा रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर रही है, ठीक है। अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो इसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल, ये है आवृत्ति। आवर्तकाल क्या होता था, आवर्तकाल बेसिकली वो होता था कि एक जो वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता था, टाइम पीरियड हो जाता था। तो इसी तरह आपका स्पेस टाइम क्या है, एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो भी टाइम लग रहा है, यहाँ पे क्या होता था, एक आपको एक वाइब्रेशन करने में जो भी टाइम लगता था वो आपका आवर्तकाल होता था, टाइम, ये टाइम पीरियड। अब यहाँ पे स्पेस टाइम क्या है, एक रिएक्टर वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम रिएक्टर वॉल्यूम की बात करें तो एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो भी टाइम लग रहा है वो हो गया आपका स्पेस टाइम। और एक आवृत्ति क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बात करते थे, एफ जैसे करते थे, तो एक सेकेंड में या एक मिनट में कितने वाइब्रेशन कर लेते थे, मतलब कितने वाइब्रेशन एक सेकेंड में कर लेते थे, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स वर्क करते थे, साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, वन सेकेंड बोले, वन मिनट बोले, वन सेकेंड, जैसे आप ये टाइम पीरियड की बात करोगे उसी की इन्वर्स होगी इसकी यूनिट। अगर यहाँ आप मिनट में बात कर रहे हो तो पर मिनट में आएगी, यहाँ पे सेकेंड में बात कर रहे हो तो पर सेकेंड में। तो जैसे एक एक इसका आवर्तकाल मान लीजिए एक मिनट था, तो अब हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालते थे, जैसे इसका आवर्तकाल दो मिनट होता तो फ्रिक्वेंसी कितनी होती, मतलब दो मिनट में ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी कितनी होती थी, 1/2 पर मिनट, तो कितना हो जाएगा 0.5 पर मिनट। तो एक मिनट में कितनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट, मतलब कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, सिर्फ आधे साइकिल कंप्लीट कर पा रही है ना, क्योंकि पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, दो मिनट लग रहा है। तो सेम यहाँ पे भी है, तो स्पेस वेलोसिटी क्या होगी, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसका इन्वर्स होगी। कि अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका रिएक्टर वॉल्यूम था, अगर दो मिनट लग रहा था आपको एक पूरा वॉल्यूम को रिएक्टर को प्रोसेस करने में, तो एक मिनट में कितना वॉल्यूम प्रोसेस कर देगी, वो सिर्फ आधा ही वॉल्यूम प्रोसेस, आधा लीटर ही वॉल्यूम प्रोसेस कर पाएगी ना। तो जस्ट वही है स्पेस टाइम और स्पेस वेलोसिटी की, नंबर ऑफ वॉल्यूम प्रोसेस इन यूनिट टाइम। तो आपका स्पेस टाइम जितना ज़्यादा होगा स्पेस वेलोसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि दोनों में रिवर्स इनवर्स रिलेशन भी है, स्पेस टाइम इज इक्वल टू 1/ स्पेस वेलोसिटी। तो स्पेस टाइम को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, वो स्पेस टाइम जो है रिप्रेजेंटेशन जो है, स्पेस टाइम को एक वर्ड होता है टाउ, टाउ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यह क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, फ्लो रेट। और जस्ट अभी एक सेकेंड पहले हम लोगों ने देखा था टी इज इक्वल टू यहाँ से क्या है, वी बाई वी नॉट, और हम लोगों ने देखा था वी नॉट क्या होगा, जैसे एफ ए नॉट हम लोगों ने देखा था आपका क्या होता है, वी नॉट इंटू सी ए नॉट। तो हम लोग वी नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए नॉट बाई सी ए नॉट। तो यहाँ से टाउ अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो, टाइम टाउ क्या है, स्पेस टाइम है, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन एफ ए नॉट बाई सी ए नॉट, तो सी ए नॉट ऊपर आपका चला गया, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ, सॉरी टाउ इज इक्वल टू वी इंटू सी ए नॉट अपॉन एफ ए नॉट। तो जो स्पेस टाइम होगा वो दो टर्म में हम लोग जो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे किस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्पेस टाइम हम लोग कैलकुलेट करना होगा, तो वी इज इक्वल टू वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर है, और वी नॉट क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट फीड कंडीशन है, एट फीड। तो यहाँ से टाउ आपका जो स्पेस टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वी नॉट को हम लोग दूसरे टर्म में लिख सकते हैं आपका मोलर फ्लो रेट के टर्म में और कंसंट्रेशन के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में वॉल्यूमेट्रिक ये आपका स्पेस टाइम को लिख सकते हैं। और जो स्पेस वेलोसिटी होती है वो हम लोग जानते हैं कि वो रिवर्स होती है उसका स्पेस टाइम का, तो स्पेस वेलोसिटी
जो होगी वो क्या होगी, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होगी, वन अपॉन टाउ, मतलब जो टाइम स्पेस टाइम है उसका इन्वर्स होगी। तो ये सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, इन्वर्स रिवर्स हो जाएंगे। तो वी नॉट अपॉन वी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए नॉट अपॉन वी इंटू सी ए नॉट। बेसिकली जब हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस टाइम और स्पेस वेलोसिटी हम लोगों ने कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ये प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर्स के परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप करेंगे।